देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, सो, SO, सो। और सो का यूज किसके सेंस में करना है, ऐसे के सेंस में करना है। किसके सेंस में करना है, ऐसे। वैसे सो मीन्स होता है इसलिए, लेकिन अभी तुमको सो का यूज कैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे के सेंस में। ऐसे कैसे, जैसे मैं कह दूं ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना। तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे इट इज, अब यहाँ थर्ड फॉर्म रिटेन, इट इज रिटेन सो, इट इज रिटेन सो। अब ये रिटेन कहाँ से आ गया, देखो राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। तो राइट ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। इट इज रिटेन, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर हमें इससे मतलब रहेगा, समझ में आया। सो मीन्स क्या होता है, ऐसे। इसको कैसे बोलेंगे, ऐसे लिखा जाता है, इट इज रिटेन सो, है ना। मैं कह दूँ नहीं 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 ऐसे नाचा जाता है, मुझे नाचना आता ही नहीं, बता रहा हूँ, है ना। मान लो मैं कह दूँ ऐसे नाचा जाता है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इट इज डांस्ड, है ना, इट इज डांस्ड सो, है ना। अब डांस का क्या होता है, देखो नाचना की इंग्लिश क्या होती है, डांस। डांस मीन्स क्या होता है, नाचना। ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होगी, डांस्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगी, यही होगी, डांस्ड ही होगी। तो डांस, डांस्ड, डांस्ड, ऐसे नाचा जाता है, इसको क्या बोलेंगे, इट इज डांस्ड सो। ऐसे लिखा जाता है, इट इज रिटेन सो। क्लियर है। मैं कह दूं नहीं, ऐसे पकाया जाता है, कैसे पकाया जाता है, ऐसे पकाया जाता है ना। हाँ चलिए बताइए, ऐसे पकाया जा, इट इज कुकड। पकाना की इंग्लिश क्या होगी, कुक, तो ईडी लगा दो, इट इज कुकड सो। अब देखो कुक मीन्स क्या होता है, पकाना। कुक मीन्स क्या होता है, पकाना, है ना। तो कुक फर्स्ट फॉर्म, कुकड ये क्या हो गया, सेकंड फॉर्म, और कुकड ये क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। तो कुक, कुकड, कुकड, याद हो गया, कुक, कुकड, कुकड, ऐसे पकाया जाता है, इट इज कुकड सो, इट इज कुकड सो। समझ में आया। अब तुम लोग बताना, क्योंकि मैंने उसे बता दिया है, ऐसे खाया जाता है। खाना की इंग्लिश ईट होती है, ईट, एट, ईटेन, ये तो चलता है ना फॉर्म, याद है कि नहीं, ईट, एट, ईटेन। तो बताओ इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ईट इज ईटेन। हाँ थर्ड फॉर्म, तीसरे नंबर का चाहिए ना, इट इज ईटेन सो, ऐसे खाया जाता है। अब ये कहाँ से आ गया, देखो खाना की इंग्लिश होती है ईट, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। और ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, ईट, एट, ईटन, है ना, समझ में आया। तो इट इज ईटन सो, इट इज ईटन सो, समझ में आया। अच्छा मैं एक सेंटेंस और पूछ रहा हूँ, मैं कह दूँ ऐसे काम किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, ऐसे काम किया जाता है ना। तो अभी बताओ काम करना की इंग्लिश क्या होगी, वर्क। काम करना की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। वर्क मीन्स होता है काम करना, वर्क मीन्स क्या होता है, काम करना। ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्कड, है ना। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्कड, ऐसे ही इसका फॉर्म चलता है, वर्क, वर्कड, वर्कड। और हमें यहाँ थर्ड फॉर्म की नीड है, तो क्या हो जाएगी इंग्लिश, इट इज वर्कड सो, इट इज वर्कड सो, ऐसे काम किया जाता है ना। समझ में आया। अब देखो पढ़ना की इंग्लिश तो पता ही है, पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड या स्टडी, दो होती है ना, दोनों का मतलब क्या होता है, पढ़ना, है ना। अगर रीड का फॉर्म देखें तो रीड, रेड, रेड, मतलब स्पेलिंग सेम रहेगा, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में रेड बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे इसको रीड, यहाँ पर बोलेंगे रेड, यहाँ पर बोलेंगे रेड, रीड, रेड, रेड। स्टडी का क्या चलता है, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, ये ऐसे फॉर्म चलता है,
स्टडीड। मैं कह दूं, अब बताना तुम लोग, है ना, ऐसे पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? ऐसे पढ़ा जाता है जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो। तो ईट इज स्टडीड, क्या बोलेंगे? इट इज स्टडीड। सो इसका दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? इट इज रेड। सो क्या है? इट इज